तू बोल कौन रहे भाई तू ईशो? अरे तू बोल कौन रहे ईशो? नहीं 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 तुझे, अरे ओ भाई सुने, नहीं सुने, नहीं नहीं तू किरोड़ी लाल कार्यकर्ता है तो मेरी माँ की गाड़ी देखोगे तुम? ओए अच्छा ये तू गाड़ी दे रहा है कौन? बकवास मत कर। अरे डॉक्टर साहब सम्मानीय है ये बात हम मानते हैं, लेकिन तू मुझे माँ की गाली देगा क्या? किरोड़ी से अदावत रखने वाले हुडला को एक बार फिर मिली धमकी। दरअसल राजस्थान के महुआ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुडला को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पिछले 7 दिनों में हुडला को ये तीसरी बार फोन पर धमकी जो है वो दी गई है। हाल ही में आई धमकी के दौरान हुडला ने बातचीत का वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर लिया और इसे सोशल मीडिया पर साझा किया। इस वीडियो में धमकी देने वाले व्यक्ति और ओम प्रकाश हुडला के बीच हुई पूरी बातचीत दर्ज है। जान से मारने की धमकी देने वाले फोन कॉल का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से इस मामले में त्वरित कार्यवाही की मांग की है। हुडला ने पुलिस को भी इस संबंध में परिवाद सौंपा है। हेलो, मैं तो ओम प्रकाश हुडला बोल रहा हूँ। आप कौन? अच्छी बात है तो मैं कब कह रहा हूँ कौन? लेकिन तू बोल कौन रहे भाई तू ईशो? अरे तू बोल कौन रहे ईशो? नहीं 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 तुझे, अरे ओ भाई सुने, नहीं सुने, नहीं नहीं तू किरोड़ी लाल कार्यकर्ता है तो मेरी माँ की गाड़ी देखोगे तुम? ओए अच्छा ये तू गाड़ी दे रहा है कौन? बकवास मत कर। अरे डॉक्टर साहब सम्मानीय है ये बात हम मानते हैं, लेकिन तू मुझे माँ की गाली देगा क्या? गौरतलब है कि ओम प्रकाश हुडला हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश हुडला महुआ गांव के रहने वाले हैं। पिछले 10 सालों से पूर्वी राजस्थान में ओम प्रकाश हुडला अलग अलग कारणों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। ओम प्रकाश हुडला राजनीति में कदम रखने से पहले कस्टम विभाग में अधिकारी थे। कहा जाता है कि हुडला वसुंधरा राजे के करीबी भी माने जाते थे। यही वजह है कि हुडला ने साल 2013 में महुआ विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उस समय हुडला के सामने राजपा, जो अब बीजेपी में विलय हो गई है, और राजपा पार्टी के प्रमुख किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी गोलमा देवी की चुनौती थी, लेकिन हुडला ने जीत हासिल की। इसके बाद ओम प्रकाश हुडला वसुंधरा राजे की सरकार में संसदीय सचिव बनाए गए। वहीं साल 2018 में जब विधानसभा चुनाव से पहले किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी में वापस आ गए और विलय कर दिया गया राजपा का, तब महवा सीट से ओम प्रकाश हुडला का टिकट कट गया था। इसके बाद हुडला ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और जीत दर्ज कर किरोड़ी लाल मीणा को बड़ा सियासी झटका दिया था। 2023 के चुनाव से पहले ओम प्रकाश हुडला कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्हें महवा सीट से टिकट मिला। इस बार हुडला के सामने किरोड़ी लाल मीणा के भतीजे राजेंद्र की चुनौती थी, लेकिन ओम प्रकाश हुडला को इस बार हार का सामना करना पड़ा। लेकिन पूर्वी राजस्थान में ओम प्रकाश हुडला और किरोड़ी लाल मीणा की सियासी अदावत लगातार जारी है। दौसा विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस नेता के तौर पर हुडला ने किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा के खिलाफ जमकर प्रचार भी किया था।